15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सबसे पहले एक भविष्यवाणी की कि अगले साल भी वही यहां पर वो झंडा फहराने आएंगे, जिसके बाद से इस पूरे बयान के ऊपर राजनीति शुरू हो गई, जहां पर खड़गे जो है मजाकिया अंदाज में इसका जवाब देते हुए नजर आते हैं और अब लालू प्रसाद यादव भी इसका जवाब देते हुए नजर आते हैं। जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि क्या अगली बार, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो लाल किले पर आएंगे और झंडा फहराएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली बार नहीं आएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का गठबंधन होने के बाद विपक्षी नेताओं में काफी ऊर्जा दिखाई देने को मिल रही है और सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर चैलेंज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव यहां पर इंडिया अलायंस जीतेगी और इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री होगा और 2024 में ये मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिलेगा कि वो लाल किले पे आकर झंडा फहरा सकें। और लगातार इस पूरे बयान पर राजनीति गरमाई हुई है और अलग अलग प्रतिक्रिया यहां पर सभी लोगों से देखने को मिल रही है। ये बड़ी प्रतिक्रिया लालू प्रसाद यादव की तरफ से देखने को मिली। आइए देखते हैं कि उस वीडियो में क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत बधाई शुभकामना। भारत के लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, देश आजाद हुआ, बड़ा कुर्बानी के बाद आज़ादी के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए देश के लिए और सभी शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद आजाद सब लोगों, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर, सभी लोगों को श्रद्धांजलि। भारतवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाएंगे। तो क्या आज उनका क्या मना है? मोदी जी की आज जो अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला? आगे हम लोग आए हैं।